हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी बी यूट्यूब चैनल्स। एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टडी बी के यूट्यूब चैनल्स में। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रिसिटी। आज जो है हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स एमसीक्यू टाइप का इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा पढ़ेंगे फ्रेंड्स। विद्युत धारा में देखिए जो क्वेश्चंस लास्ट टाइम जो है काफ़ी एग्जामिनेशंस लाइक NDA, UP, PSC, SSC एंड अदर्स गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आस्क किए गए हैं, सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सारे क्वेश्चन जो है आपको जितने भी इम्पोर्टेंट है सारे कुछ आपको मैं प्रोवाइड अच्छी तरीके से पूरी करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो जब मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँ तो आपको सीधे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो जो है पूरी क्वेश्चंस के साथ चाहते हैं अगर, तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करिएगा कि मुझे जो है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस नहीं चाहिए, मुझे जो है सारे कंप्लीट क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स, आपको बता दूं जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर एग्जामिनेशंस में आए हुए होते हैं उसके चांसेस जो है ज़्यादा रिपीट होने के होते हैं। इसी बेस पे मैं ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी को ओनली करा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको चाहिए तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, तो कमेंट करिएगा तो मैं ज़रूर बना दूंगा। और इसका PDF जो है आप को मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। ओके फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को न व्यर्थ करते हुए। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए पहला क्वेश्चंस फ्रेंड्स यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चंस है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम या ऑप्शन डी चांदी। और ये देखिए फ्रेंड्स जो है आपको SSC 2013 में क्वेश्चंस आया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो। ओके, देखिए SSC 2013 में आया हुआ है क्वेश्चंस। तो सबसे जो है अच्छा गुणवत्ता का चालक होता है चांदी यानी ऑप्शन डी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक। ओके, विद्युत का चालक जो है अच्छा चांदी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अति चालक का लक्षण है, अति चालक का लक्षण क्या है। उच्च पराग्यम्यता, निम्न पराग्यम्यता, शून्य पराग्यम्यता या अनंत पराग्यम्यता। तो देखिए BPSC जो है 1994 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा उच्च पारगम्यता। ओके, उच्च पारगम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर आपस में जुड़ी दो अवशेषित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है, यदि वह क्या होना चाहिए, यदि वह जो है समान विभव पर हो। ठीक है, यदि वो समान विभव पर हो तो जो है दो वस्तुएं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी। और देखिए UPSC में ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। प्रतिवर्ती धारा यानी कि AC करंट को DC करंट में किसके द्वारा बदला जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के द्वारा जो है, रेक्टिफायर के द्वारा AC करंट को DC करंट में बदला जाता है। ओके, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, किसके लिए होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सुरक्षा के लिए।
विद्युत उपकरण में जो अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए, और ये यूपीएससी में 2002 में आया हुआ क्वेश्चन और रिपीटेड होने के ज़्यादा चांस है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ओके, और उसके बाद देखिए 23rd नंबर क्वेश्चंस, आदर्श वोल्टीमीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है। आदर्श वोल्टीमीटर की जो है प्रतिरोधिता कितनी होती है, तो ऑप्शंस ए 0, ऑप्शंस बी निम्न, ऑप्शन सी असीमित, या फिर ऑप्शन डी उच्च। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी असीमित। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। देखिए नंबर 30 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, प्रतिरोध, केवल धारा, केवल वोल्टता, या ऑप्शन डी धारा और वोल्टता दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी धारा और वोल्टता दोनों। ओम का जो नियम है वो परिभाषित करता है धारा और वोल्टता दोनों। एनडीए में क्वेश्चंस आया हुआ 2013 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, शुष्क सेल क्या है फ्रेंड्स। शुष्क सेल जो होता है वो फ्रेंड्स प्राथमिक सेल होता है, यानी कि प्राइमरी सेल। ओके, शुष्क सेल जो होता है वो होता है एक मिनट फ्रेंड्स, शुष्क सेल जो होता है फ्रेंड्स क्या होता है, वो ऑप्शंस ए प्राथमिक सेल होता है। ओके, और आरआरबी 2006 में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से, गैसों के दाब से, विद्युत विच्छेदन से, या विद्युत प्रचार से। फैराडे का जो नियम होता है फ्रेंड्स वो किससे संबंधित होता है, तो विद्युत अपघटन से संबंधित होता है, यानी ऑप्शंस ए इसका राइट आंसर। ये भी क्वेश्चंस आरआरबी जो आपके आने वाले आगामी एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, एक फ्यूज का तार का उपयोग के लिए होता है, एक फ्यूज का तार जो है किस उपयोग के लिए होता है। तो इसका जो उपयोग होता है, देखिए क्या बोल रहा है, हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रभावित करना, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ना, किसी व्यक्ति को विद्युत झटके से बचाना, या इनमें से कोई नहीं। इसके राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अत्यधिक धारा प्रभाव के समय विद्युत परिपथ को तोड़ना ही काम होता है फ्यूज का, और ये आरआरबी में आया हुआ ये भी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज का तार उस धातु से बनी होती है, किस धातु से, प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो, चालकता कम हो। तो घरेलू जो विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक जो है क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, या फिर विशिष्ट घनत्व हो, या फिर चालकता कम होनी चाहिए। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स गलनांक कम होने के लिए। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी। ओके, गलनांक कम हो तो वैसे उपकरण का सुरक्षा फ्यूज के तार में उपयोग किया जाता है, ताकि जब विद्युत का झटका उच्च हो तब क्या हो, गलनांक कम होने से उसका तार जो वायर हो वो अलग हो जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने से बचा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोला, एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जा सकता है, किन लक्षणों के कारण। एक फ्यूज का जो तार होता है उसका लक्षण क्या होता है, उच्च प्रतिरोधकता का तथा निम्न गलनांक होना चाहिए।
उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। ये एक फ्यूज तारक का गुण है, ओके, लक्षण है, इसको इस तरह से पहचाना जा सकता है। तो ये SSC 2015 में आए हुए क्वेश्चन देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह मेन स्विच के साथ समानांतर में संयोजित होता है। यह मुख्य सिल्वर मिश्र धातुओं से बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है या फिर इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है। तो जैसे फ्यूज तार को मैंने बताया है तो इसका गलनांक निम्न होता है, कम होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज का तार उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? सर्किट में प्रभावित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर होगा। RRB 2004 में आया हुआ क्वेश्चन, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है? विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। फ्यूज का जो सिद्धांत होता है वो होता है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, ओके। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव ये फ्यूज का सिद्धांत है। और देखिए BPSC में 1999 में आया हुआ क्वेश्चन, ओके। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है, किसकी बनाई जाती है? टीन और लेड के मिश्र धातु से जो है एक सुरक्षा फ्यूज के तार बनाई जाती है। SSC 2014 में क्वेश्चंस जितने भी रिपीट है सारे क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। यदि आपको फिर भी लगे कि नहीं मुझे कंप्लीट पूरा क्वेश्चन चाहिए तो उसका वीडियो भी मैं बना दूंगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर, ओके। और इसका PDF भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? काफ़ी बार क्वेश्चंस रिपीट होता है और हो सकता है आगे भी हो, तो टंगस्टन का होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है, क्योंकि इसका क्या होना चाहिए? टंगस्टन जो होता है वो विद्युत के बल्ब के अंदर क्यों प्रयोग होता है? क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो उच्च गलनांक होता है, ठीक है, ताकि हाई वोल्टेज में भी जो है वो गले ना, इसलिए वो उच्च गलनांक होता है। CDS 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है, तो एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त होती है? एक यूनिट। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप एक दिन में 10 घंटा अगर जलाया जाए तो एक यूनिट प्रयोग होती है। उसी प्रकार एक 100 वाट के बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है और 5 रुपये यूनिट की दर से प्रयुक्त होता तो कितना होगा? तो मान लीजिए 100 वाट का एक बिजली का बल्ब है और 10 घंटे चलाया जाते तो एक यूनिट उठेगा, ले और उसका जो है 5 रुपये करके यूनिट दिया गया है तो कितना होगा? 5 ही रुपया ना होगा, यानी ऑप्शंस ए, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा जो है किसकी इकाई होती है? विभवांतर के विद्युत ऊर्जा की, विद्युत शक्ति की या विद्युत विभव की? किलोवाट घंटा जो है किसकी इकाई होती है? विभवांतर की, ठीक है, यानी कि ऑप्शंस ए। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा? ऑप्शंस ए 59 का ए नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखिए फ्रेंड, बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? किसके मापन पे? वाटेज के, वाटेज नॉट वोल्टेज, वाटेज, यानी ऑप्शन केवल एक, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, एक इकाई एक यूनिट, ओके। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? देखिए RRB ASM यानी 2004 में आया हुआ है, ओके। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में एक आया हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक का आविष्कार जो किए थे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन है एक जो यूपीएस
UPSC में आया हुआ है, कथन है, कथन और निष्कर्ष, इस तरह का सवाल जो है, इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है UPSC या फिर कहा जाए तो आपके WBSCS या अदर्स जो है बड़े एग्जामिनेशंस में काफ़ी, अभी तो रेलवे में भी ऐसे क्वेश्चन आस किए जाते हैं, तो नो डाउट, तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आप यहीं से भी मिले उसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। देखिए कथन ए और कथन आर दिए गए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर बताना है। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, और आर कथन क्या कर रहा है, कारण क्या बता रहा है, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। तो ए तथा आर दोनों सही, और आर जो है ए का सही कारण है, यानी कि ऑप्शंस ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा, जो बोल रहा है वो सही है बोल रहे, ठीक है। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं और ये आवेश की पृथ्वी तक भेज देते हैं, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही कारण स्पष्ट करता है, ओके, यानी कि ऑप्शंस ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर पढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछ रहा है यहाँ पर। देखिए निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है, मंद चालक नहीं है, सल्फर, सिलीनियम या फिर ब्रोमीन या फास्फोरस। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शंस बी और सिलीनियम, सिलीनियम जो है ये विद्युत का मंद चालक नहीं होता है, ओके। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चंस क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है, जो आप ट्यूबलाइट लाते हैं उसमें प्रदीप्ति जो अंकित होती है वो अभी कौन सा होती है, तो ये होती है 6500K, ओके। अभी जो प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्ति होती है ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित वो होती है 6500K होता है। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम को कोटि क्या है, तो 6 to the power 10 to the power 6 ओम है, ओके। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो यूरेनियम का उपयोग होता है, आई नो सभी लोग जानते हैं। और ये देखिए सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस है पीछे साल। उसके बाद देखिए माइका जो है वो है, माइका क्या है, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक, ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालक, ऊष्मा और कुचालक तथा विद्युत का चालक, ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। तो फ्रेंड्स माइका जो होता है वो होता है ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है, सबसे हाईएस्ट होता है तंतु का ताप, और जो है इसमें टंगस्टन का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो हाई रेजिस्टेंस का होता है, वो गलता नहीं है जल्दी। तो 3000 सेंटीग्रेड से 3500 सेंटीग्रेड जो विद्युत का बल्ब होता है उसमें तंतु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्पियर क्या मापने की इकाई है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है फ्रेंड्स, तो सभी जानते हैं विद्युत धारा मापने की जो इकाई होती है वो क्या है, एम्पियर है। तो कोई कोई क्वेश्चंस है जो इजी है, लेकिन सभी को पढ़ना है हमें, इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस पढ़ जाने हैं ताकि कोई भी क्वेश्चंस आए हमसे छूटे ना। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सोर्स क्या होता है, सोलर सेल होता है, सोलर सेल यानी ऑप्शंस बी, ओके। नंबर 75, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है क्या है, विद्युत मोटर, ओके, यानी विद्युत मोटर जो है इसकी युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नतः होता है, देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर, आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक मोटर ई और एम, तो ई और एम से आपको समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल, ओके, यानी विद्युत को यांत्रिक में। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नतः होता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। नंबर 77, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है, ये बनी होती है सिलिकॉन की।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, जो प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में प्रतिवर्तित कर, सॉरी फ्रेंड्स ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, रेक्टिफायर देखिए UPSC में 2006 में एक बार रिपीट हुआ है और सेम क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर जो है प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयुक्त होता है, एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए, या फिर एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो जो 79 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा डी, एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु क्या होती है, प्रतिदीप्ति नली में जो है सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली जो वस्तु होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी पारावाष्प तथा आर्गन, पारावाष्प तथा आर्गन जो है ये प्रतिदीप्ति में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नंबर 81, तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किस पे, देखिए किस पे जोड़ना चाहिए, आधार सिरे पे, सजीव सिरे पे, या फिर उदासीन सिरे पे, या किसी भी सिरे पे, जो तीन पिन बिजली होता है उसके कौन सा सिरे पे जोड़ना चाहिए, तो ये आधार सिरे से उसको जोड़ना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, एक मकान में दो बल्ब लगे हैं उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न से कौन सा कथन सही है, प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है, दोनों बल्ब की रेजिस्टेंस समान है, अधिक प्रकाश वाले बल्ब को में रेजिस्टेंस अधिक, देखिए यही क्वेश्चन सही होगा, अधिक जो प्रकाश वाला बल्ब है उसका रेजिस्टेंस अधिक है, तभी तो वो जो है दूसरे से अधिक प्रकाश दे रही है। ओके इसका राइट आंसर होगा 82 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस के साथ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल, ये एक किलोवाट, ये जो है एक किलोवाट घंटा का मान होता है कितना होता है फ्रेंड्स, ऑप्शंस ए 3.6 × 10⁶ जूल। उसके बाद फ्लोरमेंट लैम्प का चोक का प्रयोजन क्या है, और करेंट को प्रभाव को कम करना, करेंट को प्रभाव को बढ़ाना, प्रतिरोधता को कम करना, यही राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी प्रतिरोधता का कम करना। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, दाब से। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन SSC 2013 में आया हुआ और आपके रेलवे ग्रुप डी 2019 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो फ्रेंड्स देखिए कहीं ना कहीं से क्वेश्चन ज़रूर जो है एग्जामिनर इसको रिपीट करता है, जो देखने को आपको ग्रुप डी में भी मिला होगा। यदि किसी पारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिर कर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अतिचालक, अर्धचालक, चालक या फिर रोधी। तो 86 का फ्रेंड्स जो ऑप्शंस होगा वो क्या होगा, ऑप्शंस ए अतिचालक। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध ऑप्शंस ए बढ़ता है। ओके इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बढ़ता है। ओके यदि किसी प्रतिरोध को तार को लंबा किया जाए तो उसका जो है प्रतिरोध बढ़ता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, क्या रहता है, कम दाब पर पारा, अधिक दाब पर पारा, नियॉन और पारा, या इनमें से कोई नहीं, क्या रहता है फ्रेंड्स, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शंस ए कम दाब पर पारा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिजली के पंखे गति बदलने के लिए प्रयुक्त होने वाला वेरी इजी क्वेश्चन SSC 2009 में आया हुआ रेगुलेटर इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए MCB जो होता है जो लघु पंथन यानी शॉर्ट सर्किट के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है काम करता है, धारा के चुंबकीय प्रभाव, धारा के विद्युत लेपन प्रभाव, धारा के रासायनिक प्रभाव, धारा के तापन प्रभाव, तो इसका
इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, धारा के तापन प्रभाव पे ये कार्य करता है। ओके, एक वोल्टेज कितने के बराबर होता है? एक वोल्टेज होता है 1 जूल/कूलम। ओके, यूपीएससी 2015। जब साबुन का बुलबुला अवशेषित किया जाता है तो ये क्या होता है? फैलता है, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक डायनेमो एक मशीन है जिसका काम होता है, क्या होता है काम? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये जो है ये डायनेमो का कार्य होता है। एक धारावाही चालक संबंधित होता है, एक धारावाही जो चालक है फ्रेंड्स वो संबंधित होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से, यानी ऑप्शन सी। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? विद्युत उपकरण को मापता कौन सा उपकरण? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ओम मीटर। ओके, तो ये था फ्रेंड्स जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने उसको कंप्लीट किया। यदि इसके बावजूद भी आपको लगता है कम है, पूरा कंप्लीट करना चाहिए, तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं पूरे कंप्लीट वीडियो उसका बना दूंगा और इसका जो है पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सपोर्ट करें मुझे, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो जो है और भी आगे बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे विथ अस और स्टडी विथ यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।